देश विदेश की मुख्य खबरें लेकर आपका होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर आ चुका है आपके बीच में। सी मीडिया चैनल देख रहे हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। रह गए हैं पूरे 10 दिन, रिमाइंडर लगा लीजिए और आप जरूर आइएगा, आप चुकिएगा नहीं। जी हाँ दर्शकों, 30 अप्रैल को हमने जैसे अपनी पहले की न्यूज़ों में भी आपको बता चुके हैं कि 30 अप्रैल को जाबलिया के अंदर एक खूनदान कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप जो यहाँ के काफ़ी सोशल वर्कर्स हैं, वह रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जैसे कि सुरजीत जी व उनके ब्रदर पैनी जी पंजाब स्टील फैक्ट्री के जो ओनर हैं, इन द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है। वहीं आपको लेकर आने तक से लेकर जाने तक की जिम्मेवारी यह सब उठा रहे हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप खूनदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये आपको जो है ड्राइवर का नंबर या आपको पूरा सलाह दे देंगे कि आपको किस समय पर वहां से गाड़ी पिक करेगी व किस समय पर आपको छोड़ेगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि आपके लिए खाने का भी विशेष जो प्रोग्राम है इनके द्वारा किया गया है, आपको खूनदान के दौरान रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी। अगर आप करते हैं व्हाट्सएप यूज तो यह खबर है आपके लिए। दर्शकों आपको हम बता दें कि व्हाट्सएप पर आजकल पिछले कुछ दिनों से कुवैत के अंदर काफी लिंक को फॉरवर्ड किया जा रहा है कि आप इस लिंक को ओपन करें व आपको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। उसके बाद जब आप उसे ओपन करते हैं तो उसके बाद बोला जाता है कि इसको 20 लोगों को भेजें या फिर 5 ग्रुपों में भेजें, उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। ऐसा लुलू द्वारा व कुछ गोल्ड जो कंपनीज यहाँ पर कुवैत में काम कर रही हैं उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं। वहीं आज एक मीटिंग के दौरान यह लुलू के ओनर ने व जितने भी यहाँ पर गोल्ड कंपनीज या फिर बड़ी कंपनी जितनी भी काम कर रही हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि यह हमारी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं। तो दर्शकों आपके पास अगर व्हाट्सएप पर कोई भी इस तरह का मैसेज आता है कि आप इसे फॉरवर्ड करें, आप इसे ओपन करके आपको गिफ्ट मिलेगा, तो यह आप समझ लीजिए कि यह फेक है, यह आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। तो कृपया आप इस लिंक को उसी समय पर डिलीट करें और किसी को भी फॉरवर्ड ना करें। एक इंडियन व्यक्ति ने बिल्डिंग से कूदकर दी अपनी जान। जी हाँ, महाबुला एरिया की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार एक इंडियन व्यक्ति जिसकी आइडेंटिफाई अभी नहीं हो पाई है क्योंकि उसकी जेब से कुछ भी सिविल आईडी और ऐसा कुछ नहीं मिला है, वह महाबुला एरिया के अंदर एक बिल्डिंग से छलांग मारकर मर गया। वहीं एक इजिप्शियन व्यक्ति ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उसको पिछले 5 महीने से स्कूल की सैलरी नहीं मिली थी, उसकी वजह से वह रो रहा था। जब पुलिस ने उसके पर इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि ऐसे कुवैत के अंदर 200 स्कूल हैं जिनके अंदर गार्ड्स काम कर रहे हैं, वह उनको पिछले 5 महीने से जो है स्कूलों द्वारा सैलरी नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो वह बहुत ही कम मात्रा में दी गई है। आप यह ले चलें कि सिर्फ उनका खर्चा पानी दिया जा रहा है, लेकिन उनके पीछे जो वह अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़कर आए हैं उनको भेजने के लिए 5 महीने से उनके पास कुछ भी नहीं है, तो इस हालात में लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन दर्शकों आपको यह बता दें कि अगर हमने इतना समय कोरोना से हमने लड़ लिया है तो थोड़ा सा समय और बचा है, क्यों ना हम इसको भी मिलकर लड़ें और कोरोना पर विजय पाएं। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर एक रिपोर्ट करवाने के लिए जाता है और वह अपने आप ही खुद ही 2 रिपोर्टों में फंस जाता है। यह खबर आप जरूर सुनिएगा, यह खबर कल की है। कल एक 38 ईयर का, जी हाँ 38 साल का एक कुवैती इंसान जो पुलिस स्टेशन के अंदर एक झगड़े को लेकर अपनी FIR दर्ज करवाने गया था, वहीं FIR करने के बाद वह एक प्लेस पर बाहर आकर सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया था। वहीं पुलिस ने जब उसको CCTV कैमरे के अंदर कैच कर लिया और उसको वहीं पर दबोच लिया, उस कुवैती व्यक्ति के ऊपर उस FIR के साथ साथ में ही एक और केस लगा दिया गया कि वह रमजान के समय में सिगरेट पी रहा था। अभी वह कुवैती व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। वहीं आपको सिंह मीडिया चैनल यह भी बता रहा है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर या किसी भी जगह पर आप खाते हुए या पीते हुए पकड़े जाते हैं, जो रमजान का समय निर्धारित किया गया है उस दौरान अगर आप पकड़े जाएंगे तो 1 महीने की जेल व 100 दिनार फाइन आपके ऊपर लगेगा। कुवैत के अंदर जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 14 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगेगी। वहीं कल की मीटिंग के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। यह जो दौर है वह 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 1510
केस कोरोना के पिछले 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 8 मौतों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा डिक्लेयर किया गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि आईसीयू की जो संख्या है वह 250 के पार पहुंच चुकी है। दर्शकों आपको बता दूं कि जहां कोरोना पूरी वर्ल्ड के अंदर अपना तांडव मचा रहा है, वहीं भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दीजिए मुझे इजाजत, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। रखिए अपने आसपास सफाई, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।